Hello class, I am Swati Saraogi, your English teacher. I hope you all are doing well at your home. So today I am going to start the first chapter of our book, Whistles and Saving Bristles. It is so funny and very interesting story. Okay, and I hope you all will like it. So let's start with the story. So this is our chapter. फर्स्ट चैप्टर विशल्स एंड शेविंग ब्रिशल्स. विशल्स मीन्स होता है सीटियाँ एंड शेविंग मीन्स शेविंग करना, ठीक है. और ब्रिशल्स मीन्स होता है दाढ़ी के बाल, मीन्स बियर्ड जो होती है दाढ़ियाँ उसके बाल को ब्रिशल्स कहते हैं. ओके, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक चीपर. एक बुक थी चीपर, किसने लिखी थी वो बुक, डॉजन बाई फ्रैंक बी गिलबर्ट जूनियर एंड अर्नेस्टाइन गिलब्रेथ कैरी. ओके, ये राइटर्स थे, इनकी एक बुक थी चीपर, उसी का एक पार्ट है ये चैप्टर. ओके, द ऑथर्स लिव्ड विद 10 सिबलिंग्स एंड देयर पेरेंट्स. ऑथर्स मीन्स होता है राइटर, ठीक है, जो मतलब इस चैप्टर के जो राइटर है वो किसके साथ रहते थे, 10 सिबलिंग्स मीन्स उनके सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई बहन, ठीक है. तो उन ऑथर के वो अपने 10 भाई बहनों और अपने पेरेंट्स इन सब के साथ एक घर में रहते थे. द स्टोरी टेक्स द रीडर थ्रू द वंडरफुल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे हैड. और इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि उन राइटर्स की उनकी फैमिली की कैसी लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, मीन्स कितना वो एंजॉय करते थे अपनी फैमिली के साथ, कैसे कैसे उनके एक्सपीरियंसेस थे, वही सब बताया गया है. ओके, वी वर अ बिग फैमिली ऑफ 14. इनकी फैमिली में कितने मेम्बर्स थे, 14 मेम्बर्स थे. माई सिबलिंग्स मीन्स हमारे भाई बहन एंड आई वर अ डॉजन मीन्स ये सारे भाई बहन मिला के कितने थे, एक दर्जन, लगभग 12 लोग थे, 12 भाई बहन थे. एंड माई पेरेंट्स द रिमेनिंग 2 मीन्स टोटल कितनी की फैमिली थी, 14 मेम्बर्स थे फैमिली में, जिनमें 12 भाई बहन थे और 2 पेरेंट्स थे. माई डैड वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन हु वर्कड एज एन इफिशियंसी एक्सपर्ट एंड टूर्ड सेवरल फैक्ट्रीज एडवाइजिंग देम ऑन हाउ दे कुड स्पीड अप देयर वर्क. ओके, ये बताती हैं जो ये राइटर्स हैं वो बताते हैं कि इनके जो डैड थे, इनके जो फादर थे, वो एक सक्सेसफुल पर्सन थे, ठीक है, हु वर्कड एज एन इफिशियंसी एक्सपर्ट एंड टूर्ड सेवरल फैक्ट्रीज एडवाइजिंग देम ऑन हाउ दे कुड स्पीड अप देयर वर्क. तो इनके डैड बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन थे और वो एक एक्सपर्ट की तरह काम करते थे, मीन्स एक कैपेबल एक्सपर्ट की तरह काम करते थे वो, कुशल विशेषज्ञ, जैसे किसी चीज़ के बारे किसी चीज़ का एक ट्रेनर होता है वैसे वो काम करते थे. और वो बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाते थे और लोगों को वहाँ पर एडवाइस करते थे, वहाँ पर सजेस्ट करते थे कि उन्हें अपने काम को कैसे तेज़ी से करना चाहिए, मीन्स कम समय में कैसे अपने काम को अच्छे से करना चाहिए. ही वॉज अ टॉल, वो एक लंबे वेल बिल्ट, मीन्स उनकी जो फिजिकल उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो भी बहुत अच्छा था. एंड कॉन्फिडेंट मैन, और वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन थे, उन्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास था. प्राउड ऑफ हिज वाइफ एंड फैमिली, और उन्हें अपने परिवार पे बहुत प्राउड था. ही ऑफन टुक अस विथ हिम ऑन फैक्ट्री विजिट्स, वो हमें भी अक्सर अपने फैक्ट्री विजिट्स में, मतलब जब भी वो फैक्ट्री में विजिट करने घूमने जाया करते थे तो हमें भी अपने साथ लेकर जाया करते थे. आवर हाउस अ ब्यूटिफुल मैंसन एट मॉन्टक्लेयर न्यू जर्सी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ डूइंग अवे विथ वेस्टेड मोशंस. हमारा जो घर था वो कहाँ पे था, न्यू जर्सी मॉन्टक्लेयर में था. बहुत सुंदर सा हमारा एक बंगला था जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था किसका, कि कैसे अपने टाइम को वेस्ट किए बिना काम को करना है, मीन्स कैसे किसी भी काम को बिना टाइम वेस्ट किए और बिना पैसे वेस्ट किए अच्छे से करना है, परफेक्ट वे में करना है. माई मदर कॉल्ड इट मोशन स्टडी, मेरी मदर इसे क्या कहती थी, मोशन स्टडी कहती थी. डैड स्ट्रांगली believe that we should not waste too many movements on doing tasks that could be done with fewer. Means मेरे फादर का ये कहना था कि हमें एक काम पे बहुत ज़्यादा movements नहीं waste करने चाहिए, means एक काम को हम जितने short way में कर सकते हैं, short cut के साथ कर सकते हैं, हमें उतने short cut से और उतने smartly way में करना चाहिए ताकि हमारा time भी बचे और हमारी energy भी बचे. डैड हैड अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ एनकरेजिंग अस टू डू हाउस होल्ड वर्क. डैड के पास, हमारे जो फादर थे उनके पास एक बहुत अच्छा सा तरीका था कि कैसे बच्चों को एनकरेज करना है और उनसे घर का काम करवाना है. ही वुड अनाउंस द टास्क एंड आस्क अस
चिल्ड्रेन टू बिट फॉर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी. वो हमारे मतलब वो जो काम होता था घर का जो टास्क होता था उसको अनाउंस करते थे, वो हमें बताते थे और उसके लिए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी का एक रिवॉर्ड भी रखते थे और वो कहते थे कि जो भी उस काम को करेगा, उस टास्क को करेगा, मैं उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दूंगा. द चाइल्ड विद द लोएस्ट बिट वुड गेट टू डू द टास्क एंड अर्न सम एक्स्ट्रा वर्क. और जो बच्चा बहुत जल्दी सबसे पहले उसको काम कर लेता था, बहुत कम समय में उस काम को कर लेता था, उसे वो एक्स्ट्रा मनी भी मिलती थी. माई डैड वॉज एडिक्टेड टू मैनेजिंग एवरीथिंग इफिशियंटली. आई वुड लाइक टू यूज़ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट टू डिस्क्राइब हिज एटीट्यूड. मेरे फादर जो थे वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से मैनेजिंग वे में कर सकते थे, मीन्स किसी भी काम को बहुत एकदम कुशल तरीके से कर सकते थे. और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए मैं एक टर्म यूज़ कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का तरीका बहुत अच्छे से आता था. ही पुट अप चार्ट्स इन द बाथरूम्स. वो बाथरूम हमारे बाथरूम्स में चार्ट्स भी चिपकाए रहते थे, लगाए रहते थे. यू विल एग्री विथ मी दैट मैनेजिंग 12 चिल्ड्रेन विथ सॉरी दैट मैनेजिंग 12 चिल्ड्रेन वॉज क्वाइट अ टास्क. आप लोग ये मेरी बात से सहमत होंगे जरूर कि 12 बच्चों को एक साथ संभालना बहुत सच्ची में एक बहुत बड़ा टास्क है. These charts helped him to keep track whether all the children had brushed their teeth, combed their hair, etc. Since each of us had to sign our initials on the chart as soon as we completed a chore. वो जो charts होते थे हम सब उससे उनको क्या benefit होता था, क्या उन्हें फ़ायदा होता था कि उन सबसे उनको ये पता चल जाता है किस बच्चे ने ब्रश किया है नहीं किया, किस बच्चे ने अपने हेयर्स को कॉम किए हैं नहीं किए हैं एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती थी. क्योंकि हम सारे बच्चों को क्या करना होता था, मेरे सारे सिबलिंग्स को क्या करना होता था कि कोई भी अपने घर के काम को करने के बाद क्या करते थे, वो उस पर टिक करते जाते थे कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया. डैड हैड एन ईगल आई सो नन ऑफ अस कुड एवर ड्रीम ऑफ लाइंग टू हिम. मीन्स उनकी एक तेज दृष्टि थी, उनकी एक ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि थी, उनकी ऐसी निगाह थी कि वो अगर हम में से कोई झूठ बोलता भी था तो वो उसे पहचान जाते थे. इसीलिए हम में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था उनसे झूठ बोलने के लिए. डैड वॉज एन इफिशियंसी एक्सपर्ट एट वर्क एंड ऑल्सो एट होम. डैड अपने काम के लिए तो एक इफिशियंसी एक्सपर्ट थे, एक कुशल व्यक्ति थे और साथ ही साथ वो घर के कामों के लिए भी एक कुशल व्यक्ति थे. ही बटन्ड हिज शर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम सिंस इट सेव्ड 4 seconds. और वो क्या करते थे, वो घर के काम को इतने परफेक्ट वे में कम तरीके से करते थे. एक बार उन्होंने अपने शर्ट में बटन लगाई, ऊपर से नीचे तक सारी बटन को उन्होंने लगाया और उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 4 seconds सेव कर लिए, बचा लिए. ही यूज टू ब्रशेज टू लेदर द सेविंग क्रीम ऑन हिज फेस एज इट सेव्ड 17 seconds ऑफ हिज टाइम. अब उन्होंने एक बार क्या किया, मीन्स वो क्या करते थे, लेदर मीन्स क्रीम को फैलाना, झाग बनाना क्रीम से, ठीक है. तो जब वो सेविंग करते थे तो वो 2 ब्रशेज का यूज़ करते थे अपने दोनों चिक्स पे, वो जो सेविंग क्रीम होती थी उसे लगाने के लिए, क्योंकि उससे उनका 17 सेकेंड बचता था. वंस डैड ट्राइड यूजिंग 2 razors टू सेव. एक बार फादर ने उनके क्या किया, 2 razor का यूज़ किया सेविंग करने के लिए. But soon realized that it wasn't a very wise decision. लेकिन बहुत जल्दी उन्हें ये पता चल गया कि ये उनका एक wise decision नहीं है, means ये काम करके उन्होंने बहुत गलत किया. क्यों गलत किया, क्योंकि he had to spend almost 2 minutes bandaging the wound caused by the second razor. अब जाहिर सी बात है, अब हम अपने दोनों हाथ से अगर razor का use करेंगे तो क्या होगा, हमारे चेहरे पे चाहे कहीं फेस पे हमारे घाव बन जाएगा, उससे हमें चोट लग सकती है. तो वैसे उनके फादर को भी क्या हुआ, 2 razor को यूज़ करने से उनके चिक्स पे, उनके फेस पे चोट लग गई. तो उन्होंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया था, 2 razor का एक साथ यूज़ किया, लेकिन बट क्या हुआ, उनको उससे घाव बन गया उनके फेस पे, वुंड इट कॉज्ड वुंड ऑन हिज फेस. तो उनको क्या करना पड़ा कि 2 मिनट लगाने पड़े और उसको वुंड पे बैंडेज करने के लिए उन्हें 2 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़े, ठीक है. इट वॉजेंट द वुंड दैट बॉदर्ड हिम एज मच एज द वेस्टेड 2 मिनट्स. ये इट वॉजेंट द वुंड दैट बॉदर्ड हिम. उनको उस चोट की, उस घाव की उनको चिंता नहीं थी, उनको किस चीज़ की चिंता थी कि उनका 2 मिनट वेस्ट हो गया है. ऑल्दो दैट वॉज स्ट्रिक्ट विद अस एट होम. ये तो सही था कि यद्यपि कि हमारे जो डैड थे वो घर पे तो हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे, ही कुड नॉट टॉलरेट एनी आउटसाइडर क्रिटिसाइजिंग अस. और यहाँ तक कि वो बाहर के भी किसी पर्सन को
बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि वो हमें क्रिटिसाइज करे, वो हमारी आलोचना करे, हमारी बुराई करे। वंस आवर नेबर कंप्लेंड टू हिम अबाउट माई ब्रदर, एक बार हमारे एक पड़ोसी ने मेरे एक भाई के बारे में उनसे कंप्लेन की, हु हैड टीज्ड हिज सन, तो मेरे भाई ने क्या किया था, उस पड़ोसी के बच्चे को, बेटे को परेशान किया था, छेड़ा था। डैड गेव आवर नेबर अ ब्लैंक लुक एंड वॉकड अवे, उस टाइम डैड ने उनके सामने तो, उस पड़ोसी के सामने तो मेरे भाई को कुछ नहीं बोला, वो वहाँ पे शांति से उसने देख के और आगे बढ़ गए। बट हाउ एवर, फिर भी व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर वापस आए, डैड एक्चुअली मेड माई ब्रदर डू 100 sit-ups, तो घर आके वो क्या किए, मेरे भाई को उन्होंने 100 times उठक बैठक कराया, सिटअप्स मीन्स उठक बैठक कराना, तो उन्होंने मेरे भाई को 100 times उठक बैठक कराया। सो क्लास, आई होप यू ऑल हैव गॉट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर बाय नाउ, एंड आई विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वर्ड मीनिंग्स, रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी। ओके, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर एंड फॉलो 6 feet distancing, एंड टेक केयर, बाय बाय।